हेलो गाइस, आज बनाने वाले हैं समोसा रोल। ये खाने में बहुत अच्छे लगते हैं, बहुत टेस्टी, सुपर टेस्टी। बनाना है बहुत आसान है, बनाना शुरू करते हैं। मैं हूँ शीरी, शीरी किचन में आपका स्वागत है। अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। समोसे रोल बनाना शुरू करते हैं, वो भी मैं अपने स्टाइल में। उसे बनाने के लिए मैंने दो आलू ले लिए, ये उबाल के ठंडा कर लिया। इसमें डालते हैं मसाले, आधा चम्मच गरम मसाला, आधा चम्मच चाट मसाला, आधा चम्मच नमक, आधा चम्मच आमचूर पाउडर, आधा चम्मच कुटी मिर्च, धनिया। सारी चीज़ों को डालकर आलूओं को मिक्स कर देते हैं। आलू रोल बहुत बढ़िया लगते हैं खाने में। पूरी वीडियो देखना, आप स्किप ना करें, बड़ी आसानी से बन जाते हैं। जो मैंने कीमे के समोसे बनाए थे उस टाइम वो पट्टी बची थी, उठा कर रख दी, तो मैंने कहा आज आलू रोल बना लें। आलू हमारे मिक्स हो गए, इसमें डालते हैं आधा नींबू। बड़ा बढ़िया भरता बन जाता है, खट्टा मीठा। नींबू का रस डाल देते हैं आधा। इसमें डालते हैं 3 चम्मच चावल का आटा। चावल का आटा डालकर इसे मिक्स कर देते हैं। चावल का आटा डालने से इसकी बाइंडिंग बहुत अच्छी बनती है और कुरकुरापन आ जाता है, इसलिए हम चावल का आटा डालते हैं। चावल का आटा ना हो तो कॉर्नफ्लावर डाल दें आप, और अरारोट भी डाल सकते हैं। ये हमने चावल का आटा डालकर इसे मिक्स कर दिया है। इसका इस तरीके से एक डोसा बना लिया हमने, जैसे डो बनाते हैं। लेते हैं 2 चम्मच मैदा, इसका एक घोल बना लेते हैं। दो चम्मच मैदा ले ली, इसमें थोड़ा थोड़ा पानी डालकर इसका एक घोल बना लेते हैं। एकदम पानी नहीं डालेंगे, थोड़ा थोड़ा पानी डालकर इसका जैसे लेई बना दे, इस तरीके से लेई, पतली पतली लेई बना लेते हैं। ये मैदा हमारी घुल गई, इसे रख देते हैं साइड से। हाथों पर ऑयल लगा लेते हैं, हाथों को चिकना करके आलूओं के फिंगर रोल बना लेते हैं। इस तरीके से दोनों हाथों के बीच में रखकर आलूओं के फिंगर रोल बनाकर सारे तैयार कर लेते हैं। हमें इतने बड़े बनाना है जितनी बड़ी हमारी पट्टी है। मैंने कहा था आप ज़्यादा से ज़्यादा सीटें बना कर रख लें, ये ख़राब नहीं होती हैं, बड़ी आसानी से इसकी कई रेसिपी बन जाती हैं। आज मैं आलू रोल समोसा बना रही हूँ। इस तरीके से सारे फिंगर बनाकर तैयार कर लेते हैं। सारे आलू के फिंगर हमारे बन गए, इसे रखते हैं सेट से। जो सीट पट्टी मैंने काट कर रखी थी वो निकाल लेते हैं, मैंने फ्रिज में डिब्बे में बंद करके रख दी थी। इस तरीके से एक फिंगर रोल रख कर इस तरीके से लपेट देते हैं इसे। डबल हमने लपेट दिया, इसमें लगा लेते हैं थोड़ी लेई, जो मैदा मैंने घोल कर रखी थी इस टाइम पर लगा देते हैं। मैदा लगाने से ये चिपक जाता है रोल। इस तरीके से सारे रोल इसी तरीके से बना कर तैयार कर लेंगे। एक बन गया, और बना कर तैयार कर लेते हैं इसी तरीके से सारे। इसे पट्टी पर रख दिया गया, आगे मैदा लगा कर ऐसे लपेट दो, बड़ी आसानी से बन जाते हैं फ्रेंड्स। इसी तरीके से सारे रोल बना कर तैयार कर लेते हैं। रोल हमारे बन गए, तैयार हो गए। इन्हें थोड़ी देर रख देते हैं फ्रिज में, उसके बाद फ्राई कर लेते हैं। फ्राई करने के लिए कढ़ाई में मैंने ऑयल डाल दिया, इसे गर्म होने दिया। ज़्यादा तेज़ ऑयल गर्म नहीं है, हल्का है, मीडियम गर्म। अगर हम तेज़ ऑयल में गर्म करेंगे तो इसका खस्तापन नहीं आएगा, मीडियम गैस पर ये खस्ता कुरकुरे हो जाते हैं। इसी तरीके से जितने कढ़ाई में आए उतने डाल कर फ्राई कर लें। एक तरफ से इन्हें फ्राई होने देते हैं, पलट पलट कर इन्हें फ्राई कर लेते हैं गोल्डन होने तक। रोल हमारे फ्राई हो गए, इन्हें निकाल लेते हैं। एक जाली के उस पर रखा है, इसका एक्स्ट्रा ऑयल जो है वो निकल जाएगा इस तरीके से। इन्हें गोल्डन कलर आने तक फ्राई करना था। इसे फ्राई करने में 5 से 6 मिनट का टाइम लगा है। रोल हमारे फ्राई हो गए, सर्व करते हैं। बढ़िया रोल बने हैं कुरकुरे, ये खाने में भी बढ़िया और टेस्टी, सुपर टेस्टी। अगर मेरी रेसिपी पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। फिर मिलते हैं नई रेसिपी के साथ।